will be two commission ka errors. Any two errors such that their debits and credits are nullified. So trial balance is not able to detect them. That's why they are called as compensating errors. You have the four types. Yes. Tell me the first one. What is principal? Long-term and short-term. Capital items with revenue items. Basically, assets and liabilities with income and expenditure. Type second one. Yes, a clerical error. Silly errors. First one is omission. Total mein pura entry full, partial mein debit and credit. Commission. Kiya lekin wrong amount, wrong account, wrong site. But it should not be a mix-up of this. Else it will become principal. And compensating is not a type. It can be any two damn errors such that their debits and credits are sir, error of commission mein tino saath mein ho sakta hai. Ho sakta hai. Amount be wrong, site be wrong. Take another example. Ye koi bhi error ka combination bhi ho sakta hai. Aage karenge hum log. देखो एरर मतलब एरर, तुम सोच के थोड़ी करोगे मैच प्रिंसिपल का एरर करेगा, मैच कमीशन का एरर करेगा, अरे ये तो ओमिशन है, मैं तुम को साथ में नहीं करेगा, एरर तो एरर ही है। तुम दो तीन चार मिस्टेक कितना भी साथ में कर सकते हो। आई गिव यू एन एग्जांपल, आपको करना था मशीनरी टू कैश 50,000, आपको करना था मशीनरी टू कैश 50,000, आपने कर दिया फर्नीचर टू कैश 5,000। अब यहाँ पे एक तो साला मशीन का फर्नीचर मार दिया, रॉन्ग अकाउंट हो गया और रॉन्ग अमाउंट भी हो गया, तो डबल कमीशन के एरर साथ में हो रहे हैं। और एक एग्जांपल लो, आपको करना था मशीनरी टू कैश 50,000, आपने मार दिया सैलरी टू कैश 5,000। अब प्रिंसिपल भी हुआ है और कमीशन भी हुआ है, मशीनरी का सैलरी किया दैट इज प्रिंसिपल, और 50,000 का 5,000 किया, रॉन्ग अमाउंट। इसमें ओमिशन भी साथ में, ये निकाल दिया खाली सैलरी को डेबिट किया 5,000 से, सो प्रिंसिपल भी है, कमीशन भी है और पार्शियल पूरा निकाल दोगे तो कंप्लीट ओमिशन भी आ जाए। सो बोलने का मतलब ये आपकी जानकारी के लिए है, थियरी में पूछा जा सकता है तो पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। और एक क्लासिफिकेशन है एरर्स का, ये हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है एज प्रिंसिपल एंड कमीशन, कमीशन एंड कॉम्पेंसेट। वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ एरर्स इज दे आर कॉल्ड एज टू साइडेड एंड वन साइड, टू साइडेड एरर्स एंड वन साइडेड एरर्स। What are two-sided errors? Understand this. सुनो ध्यान से, two-sided errors का मतलब आपने जो मिस्टेक किया है वो डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट का किया है, मतलब मिस्टेक है लेकिन अमाउंट में ऊंच नीच नहीं है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर सेम, सो अल्टीमेटली योर ट्रायल बैलेंस विल टैली। टू साइडेड एरर का मतलब ट्रायल बैलेंस उनको डिटेक्ट नहीं कर पाए, वो टैली हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, करना था मशीन टू कैश 50,000, मार दिया फर्नीचर टू कैश 50,000, या मशीन टू कैश 50,000 करना था मार दिया सैलरी टू कैश 50,000। अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल है लेकिन सैलरी तो डेबिट हुआ ही है 50 से, मशीन होना था उसकी जगह सैलरी हो गया, ट्रायल बैलेंस थोड़ी देखने बैठेगा कि यार मशीन का डेबिट है सैलरी का डेबिट है, वो तो देखेगा डेबिट है तो इट विल टैली। तो व्हाट आर टू साइडेड एरर्स? टू साइडेड एरर्स मतलब डेबिट्स और क्रेडिट्स में इम्बैलेंस नहीं है, डेबिट्स और क्रेडिट में अमाउंट का इम्बैलेंस नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। आपको मशीन करनी थी 50 से डेबिट, उसके जगह सैलरी को डेबिट दे दी 50,000 से, या रेंट को डेबिट दिया 50,000 से, या फर्नीचर को डेबिट दिया 50,000 से, योर ट्रायल बैलेंस विल टैली, योर ट्रायल बैलेंस विल टैली। बट वन साइडेड एरर्स का मतलब डेबिट और क्रेडिट में इम्बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट में इम्बैलेंस, आइदर डेबिट में अमाउंट है क्रेडिट में नहीं है, क्रेडिट में अमाउंट है डेबिट में नहीं है, या डेबिट में 50,000 है क्रेडिट में 5,000 है,
डेबिट में 5 है, क्रेडिट में 50,000 है. नाउ योर ट्रायल बैलेंस विल नॉट कैश, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज. So one-sided errors will affect the trial balance, it will not tally, and two-sided errors they will not affect the trial balance, it will tally. You tell me what are compensating errors, two-sided or one-sided? Obviously two-sided. Obviously two-sided. Why? उसका नाम में ही लिखा है कॉम्पेंसेटिंग, डेबिट्स और क्रेडिट्स को नलीफाई कर देता है, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दैट. समझ में आया? टेल मी अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल, फोकस ओनली ऑन एरर ऑफ प्रिंसिपल. टू साइडेड, टू साइडेड, टू साइडेड पड़ता कौन सा काम? हां, वन साइड. ट्रायल बैलेंस अमाउंट से फर्क पड़ता है, बट इसमें अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, खाली अकाउंट चेंज. तो आपको करना था मशीन टू कैश 50,000, आपने कर दिया सैलरी टू कैश 50. सैलरी में लिखा है ना 50, मशीन में नहीं लिखा है, सैलरी में तो लिखा है. ट्रायल बैलेंस में मशीन की जगह सैलरी आ गई, इट विल टैली राइट? यस. सो दिस इज ऑल्सो ऑलवेज टू साइडेड. ओके, तो ऑलवेज कॉम्पेंसेटिंग एंड प्रिंसिपल आर हमेशा गोइंग टू रिमेन टू साइडेड. कुछ तो डेबिट में है ना, या कुछ तो क्रेडिट में है. ट्रायल बैलेंस को उसी से मतलब है, डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए, इट्स अ टू साइडेड एरर. इधर देख के बताओ व्हाट अबाउट ओमिशन? कंप्लीट ओमिशन इज टू साइडेड. कंप्लीट ओमिशन में टू साइडेड और पार्शियल साइडेड. एग्जैक्टली, डू यू अंडरस्टैंड दिस? कंप्लीट में तो साला डेबिट भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, को थोड़ी मालूम पड़ेगा डेबिट भी नहीं है क्रेडिट भी नहीं है, वो तो टैली हो जाएगा. दैट्स अ टू साइडेड एरर. व्हाट अबाउट पार्शियल ओमिशन? डेबिट में है, क्रेडिट में नहीं है, क्रेडिट में है, डेबिट में नहीं है, दैट्स अ वन साइडेड. समझ में आई बात? व्हाट अबाउट कमीशन? ओनली रॉन्ग अमाउंट. इज इट टू साइडेड, वन साइडेड और बोथ? रॉन्ग अमाउंट इज वन साइड. फ्रेम एन एग्जाम्पल, फ्रेम एन एग्जाम्पल. Just tell me commission, not these three. Wrong amount would be both. इनको मारो गोली. मेरे को खाली commission का in general बोलो, तीनों में कोई भी example डाल के. Error of commission, are they always two sided, always one sided, or they can be both? Both. They can be both. They can be both. Give me an example of two sided commission error. Wrong amount 50,000, 5,000 लिख दिया. करना था salary to cash 50,000, कर दिया salary to cash 5,000. That's wrong amount. दोनों में 5,000 है, दोनों में 5,000 लिखा है, तो इट्स अ टू साइडेड राइट. व्हेन इट विल बिकम वन साइडेड? नाउ सैलरी में 50 लिखा, कैश में 5, सैलरी में 5 लिखा, कैश में 50, दैट विल बिकम वन साइडेड. डेबिट क्रेडिट का इंबैलेंस, गॉट इट? सो कमीशन का एरर, यू कैन मेक एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आउट ऑफ दिस. सैलरी और कैश दोनों को डेबिट दे दिया, सैलरी और कैश दोनों को क्रेडिट दे दिया, दैट इज अगेन वन साइडेड. अरे डेबिट में है, क्रेडिट में नहीं है, क्रेडिट में है, डेबिट में नहीं है, तो दैट इज अगेन वन साइडेड. ओके, या सैलरी और कैश की जगह लिख दिया रेंट टू कैश, बट अमाउंट इज सेम 50-50, सो दैट इज टू साइडेड. सो कमीशन का एरर्स कैन बी व्हाट? बोथ टू साइडेड एज वेल एज वन साइड. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? कॉम्पेंसेटिंग एंड प्रिंसिपल आर ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट? टू साइडेड. एंड कमीशन एंड ओमिशन? Both. Both. They can be two or one. What are two sided errors? Trial balance. Trial balance will tally or not tally? Two sided errors से trial balance tally हो जाता. Why? Because debits or credits में कोई imbalance नहीं है. Yeah, what is two side? What are one side? Trial balance tally नहीं हो पाता. डेबिट और क्रेडिट में इम्बैलेंस, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज वन साइड. क्लियर? आई डू वन वन सिंगल प्रॉब्लम एंड देन वी वाइंड अप. हाउ टू रेक्टिफाई? ओके, नाउ वी आर डूइंग दैट. और फिर टेक योर टेक्स्ट बुक, ये नहीं लिखना, ये थियरी दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है. हाँ बोल. प्रिंसिपल एरर चाहिए,
sorry, Shruti, the asset to drawings. That is this commissioner. Drawings are also entirely an asset only. Capital is a minus one. Or asset to asset. That is commission there. But two sides. Tally does it. Furniture to cash quality or drawings. पेमेंट एंटेना बेसिस पर थोड़ी करी मिलना बेसिस पर एंट्री जो है थोड़ी कोई पेमेंट ત્યારે બિલ આવે બિલ બેસી तो बैकडेट करके आप एंट्रीज चेंज कर सकते हैं। कोई एंट्रीज नहीं होती, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है। अब रेवट चल। चलो, लिसन नाउ, ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर। बाकी जो भी है ना किया लेकिन गलत किया, ऑल आर कमीशन। बट उसकी एंट्री नहीं होती, डेट को कोई एंट्री नहीं होती। हाँ कैश में कर लेना सिंस ना इवेंट में एंट्री ना आई वांट यू ऑल टू टेक सम नंबर टू एज नंबर 85 साइलेंस प्लीज Page 85, sum number 2. All of you take that. देखो कैसे बनाने का ये आपको BRS के बुक में कंटिन्यू करना है मिड पार्टीशन लेके स्केल पे और सुनो दो फ्रंट साइड लेने आपको दो फ्रंट साइड पे आपको चार कॉलम बनाने ठीक है ये आपका हुआ मिड पार्टीशन इधर दो ये होगा आपका रॉन्ग एंट्री रिवर्स एंट्री करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंड रेक्टिफाइड दो फ्रंट साइड्स लेना एक पेज पे नहीं होगा दो साइड्स दो फ्रंट पे होगा अरे बहुत गिचड़ी होएगा एक सिंगल साइड तो बहुत गिचड़ी होएगा सर हम लोग को कैश बुक कॉलेज पे एक पेज पे करा है BRS पर सर हमारो अजय लेजर पर अटकेली थे बस क्या रिवर्स उसका लेजर अभी खत्म होने को रॉन्ग एंट्री रिवर्स एंट्री करेक्ट एंड रेक्टिफाई तो मार्जिन लो मार्जिन ले लो मार्जिन ले लो चलेगा ड्रॉ करो इसमें सीरियल नंबर है अच्छा 24 देयर इज अ टेस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन दिस सैटरडे थ्री चैप्टर्स BRS ट्रायल बैलेंस एंड पेटी कैश 40 मार्क्स That'll be your last day of working before Christmas. Sir, 30 marks in Ramana, please. 30 marks in Ramana, sir. Sir, Christmas party. Secret Santa.
फाइन हैज बीन कलेक्टेड ऑलमोस्ट 2000 होने में 1800 हो गया है, 200 रुपया बाकी है। मोस्टली क्रिसमस से पहले एक और इडली पार्टी मिल जाएगी आपको। सर आटे पीजी पार्टी। व्हाट डू यू वांट? समोसा पार्टी। सर वड़ा पाव, सर छोटा वड़ा पाव। देन थोड़ा और एक ज्यादा फाइन। नहीं नहीं, इडली वड़ा इज बेस्ट मैन। चलो सी सम नंबर टू नाउ। आई डू वन थिंग, आई बाय डेयरी मिल्क एंड गिव इट टू ऑल ऑफ यू। नो टेंशन ओनली। चलो सर पैसा पैसा यू विल गेट 20-20 रुपीज। सर यस सी सम नंबर टू। गुड्स वर 300 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गाइस गाइस लिसन, वी आर नाउ एक्चुअली डूइंग द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। जो भी हमने टाइप्स ऑफ एरर्स अभी डिस्कस किए ना, वो थियोरी पार्ट है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए आपको आना चाहिए, कंसेप्ट था वो। बाकी आप जब रेक्टिफाई करने जाओगे ना, तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रिंसिपल है कि कमीशन है कि ओमिशन है, वॉट एवर डैम एरर इट इज, द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस रिमेन्स सेम। टू स्टेप प्रोसेस, कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग, इंक्लूजन ऑफ राइट। इनफैक्ट आप अगर ये सब ना भी बनाओ, खाली दिमाग से ये जो सही है उसको लाना है, गलत है उसको कैंसिल करना है, मिला दो, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री भी कर सकते हो, दिमाग से ही कर सकते हो। आपको सब कुछ नहीं बनाना है तो भी चलेगा, बट अभी ऐसा करना नहीं, ठीक है? धीरे धीरे हैबिट बनेगा और अभी कॉलेजेस भी आपको एक्सपेक्ट करेंगे ये सब दिखाने का, especially NM and Mittibai, they want this working note. Other colleges don't want, but NM and Mittibai want this. Wrong reverse correct entry, okay? आपका आंसर ये है, आंसर इज योर रेक्टिफाइड एंट्री, बाकी वर्किंग नोट है। देखो गुड्स वर 300 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वॉट इज योर, पहले करेक्ट एंट्री लिखने का, what is your correct entry for goods distributed as free sample? Advertisement to purchase ya fir advertisement to goods distributed as free sample. Abhi I think colleges purchase follow nahi kar rahi hain, to aap bhi aise hi likho, advertisement to goods distributed as free sample. This is the correct entry, ye होना चाहिए, ये वर्किंग नोट। सर पैसा भी लगता है? इधर रफ में लिखो, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करो चलेगा, दिस इज अ वर्किंग नोट। जैसे बीआरएस में एरोस कैसे थे, ये पूरा वर्किंग नोट है। फेयर आंसर मैं बताऊंगा सर, इसको जेपी में कन्वर्ट करके विद नरेशन के साथ लिखना है। इज दिस क्लियर? तो एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नरेशन वरेशन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अमाउंट तो लिखवाना है भाई, 300 क्या पण पूछे। Now, tell me the wrong end. Entry नहीं है, एंट्री ही नहीं है, तो इधर नहीं रॉन्ग एंट्री। वॉट इज दिस रिवर्स? ये रॉन्ग को ही हम क्या करते हैं, रिवर्स। तो रॉन्ग नहीं है तो रिवर्स भी डैश। सो वॉट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री नाउ? रेक्टिफाइड एंट्री इज इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन करेक्ट और रिवर्स, करेक्ट और देखो मेरे को बताओ, रेक्टिफिकेशन में क्या करते हो, कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग एंड इंक्लूजन ऑफ। हाउ डू यू कैंसल अ रॉन्ग? डेबिट टू क्रेडिट,
उसी को बोलते हैं रिवर्स, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट को वो रिवर्स है. एंड व्हाट इज इंक्लूजन ऑफ राइट, दिस डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, इन दोनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाती है, क्रेडिट. तो यहां पर ना रॉन्ग है ना रिवर्स. क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? व्हाट टाइप ऑफ एरर वाज दिस, व्हाट टाइप ऑफ एरर वाज दिस? कंप्लीट ओमिशन. उस भाई ने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, उस भाई ने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं. व्हाट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री, अभी रिकॉर्ड कर. एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कितना? 300. एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 300. Let me complete the angle. Purchase goods from Mr. Kapil 3200 are not recorded at all. What is the correct entry for this? Purchase to Kapil. Kitna? 3200. Is that right? Yes. Think. Tell me. What is the wrong entry of this? नहीं ये भी कंप्लीट ओमिशन है. सो नो रॉन्ग एंट्री, नो रॉन्ग एंट्री. भाई ने कुछ किया ही नहीं था, नो रॉन्ग तो नो रिवर्स, तो उल्टा भी नहीं कर सकते आप. सो व्हाट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री? परचेज टू कपिल. तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने प्रैक्टिकल बुक्स में ये दोनों एंट्री किया है कि एक ही किया? अरे अभी अभी प्रैक्टिकल बुक्स में कौन सा एंट्री करोगे आप? यही करो. क्या ये राइट एंट्री आपने किया हुआ है? नहीं, हमारी वर्किंग नोट है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर रहे हैं. गोल इज टू अराइव एट विच एंट्री? हाउ डू रेक्टिफाई? गलत को हटाओ, सही को लाओ. गलत को अपोजिट दो, सही को सही लेके बनाओ. देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन भी ऐसा ही है. क्रॉस चेक ऑफ 960 रिसीव फ्रॉम मयूर डिसऑनर्ड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. मुझे बताओ, पहले तो जब क्रॉस चेक आया मयूर से तब क्या एंट्री मारा? बैंक टू मयूर, वो डिसऑनर हो गया मयूर टू बैंक. ये कौन से जर्नल में जाना चाहिए था? कैश बुक. मयूर टू बैंक, इट शुड हैव गॉन इन कैश बुक. आपने वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो सुनना ध्यान से. कैश बुक इज अ जर्नल, परचेज बुक इज अ जर्नल, सेल्स बुक इज अ जर्नल, परचेज रिटर्न बुक इज अ जर्नल. अगर आपने कोई जर्नल में ही एंट्री नहीं किया ना, इट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन. इट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि जर्नल ही, अगर जर्नल में ही नहीं है तो क्या लेजर में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. अगर जर्नल में ही एंट्री नहीं किया तो देन इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट. तो यहां पे क्या दिया है? परचेज